हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये आदमी ना तो दारू पिए हुए था और ना ही इसने कुछ खाया हुआ था। मगर जिन लोगों ने देखा है वो कह रहे हैं कि ये कार से निकलकर लड़खड़ाते हुए चला और फिर गिर गया। ये देखिए इसके शरीर का एक्सरे, देखिए पेट में कुछ नहीं है, और ये भी देखिए सोनोग्राफी है, इंटेस्टाइन्स में भी कुछ नहीं, किडनीज में कुछ है, कुछ भी नहीं, सब क्लियर है। मगर जिस तरह से ये आदमी कार टेढ़ी मेढ़ी चला रहा था उससे लोगों को यही लगा कि ये पिए हुए हैं, और आप कह रही हैं कि पेट में कुछ भी नहीं है। जी नहीं, पेट में कुछ भी नहीं है। तो फिर मौत कैसे हुई है? शायद जहर से। जहर से? ये आदमी तो कार चला रहा था, तो जहर इसने कब खा लिया? खाया नहीं है सर। तो फिर ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल बीच में एक बहुत ही बारीक पंक्चर का निशान है और आसपास सब नीला हो गया, इसी से मुझे लगा कि ये जहर हो सकता है। कैसा जहर है? कोई बहुत ही अजीब सा जहर, क्योंकि सिर्फ एक यही जगह नीली नहीं हुई है, इसके होंठ भी नीले हुए हैं। देखिए लगता है इसने नीले रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है। आपने कभी देखा है किसी आदमी को नीले रंग की लिपस्टिक लगाए हुए? नहीं। तो ये आदमी जहर से मरा है। हाँ। और जहर इंजेक्शन से अंदर गया है। हाँ। मगर ये आदमी तो कार चला रहा था, तो इसे पता कैसे नहीं चला कि इसे इंजेक्शन लगाया गया है? शायद कार में बैठने से पहले लगाया होगा। तो इसने हल्ला क्यों नहीं मचाया? किसी जान पहचान वाले ने लगाया होगा। यू मीन डॉक्टर? हो सकता है। मैंने तो आज तक किसी डॉक्टर को पीठ पे इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा। इसकी शर्ट है यहाँ पे? हाँ। ये देखिए सर, शर्ट में भी एक छेद है, बिल्कुल वहीं पे जहां इंजेक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब है किसी ने शर्ट के बाहर से इंजेक्शन लगा दिया है। ये इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने नहीं लगाया सर। मतलब ये एक खून है, इंजेक्शन में से जहर दे के मार दिया है इसे। इसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है आपको? जी सर। एल शशिकांत, पता है 14B गीता सोसाइटी बड़ाना। मैंने शशि बेटे से कहा था बार बार, बेटे मेरी बात मान ले, मगर नहीं, मगर वो नहीं माना। घर में माँ बाप की इज्जत है का? हिम्मत नहीं है बाजी। उन्हें लगा कि वो लेटर किसी ने ऐसे ही भेज दिया। कौन सा लेटर? कोई लेटर आया था? हाँ, एक लेटर आया था, किसी ने घर के बाहर लेटर बॉक्स में डाल दिया था चुपके से। किसी और के यहाँ ऐसा लेटर आता तो वो लोग भाग के पुलिस के पास चले जाते, मगर यहाँ तो तू तो कह सकती थी उसे, माँ की नहीं सुनता तो पति की बात तो सुन लेता कम से कम। मैंने भी कहा था उनसे माँ जी, मगर वो कहने लगे कि ये छोटी सी बात है। जरा वो लेटर हमें दिखाइए तो सही। कोई स्टैंप नहीं है, कोई पता नहीं है,
तू भी जलेगा नरक में, तू भी मरेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। कंप्यूटर पे टाइप किया हुआ है, आप सबने हाथ लगाया ना इसे? हाँ। जब ये लेटर आया था तो उसके बाद कोई फोन वगैरह आया था? नहीं, कोई नहीं। किसी ने पैसे वगैरह मांगे? नहीं। तो शायद ये लेटर किसी ऐसे आदमी ने भेजा होगा जो आप लोगों को जानता है। क्या किसी से आपका झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तुम्हें कुछ बताया था शशि ने? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो ठीक है, हम इस लेटर से ही कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आजकल इस लेजर मशीन से हम किसी भी चीज के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स निकाल सकते हैं। किसी भी चीज के ऊपर से? जी हाँ, अगर मेरे होठों पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स हो तो हम वहां से भी उठा सकते हैं। ये जो लेटर शशिकांत को आया है, इस पे से क्या क्या मिला है? इस पेपर पर जितने फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे उंगलियों के निशान शशिकांत के हैं, उनकी वाइफ के हैं या शशिकांत की माँ के हैं, सिर्फ एक निशान को छोड़कर। कौन सा? ये देखिए, ये वाला है। ये कैसा निशान है? इसमें तो सिर्फ तीन ही लाइनें हैं। और ये देखिए, ये देखिए, और दो जगह पर भी है, वही तीन तीन लाइनें हैं। इस आदमी की उंगलियों के पूरे निशान क्यों नहीं आ रहे? शायद इसका हाथ जला हुआ है, इससे उसकी उंगलियों के निशान मिट गए हैं। चला हुआ है? इन तीन लाइनों से तो आदमी को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऐसा आदमी जिसका हाथ जला हुआ है और उसके हाथ की एक ही उंगली पर निशान है, और वो भी सिर्फ तीन। शशिकांत के फ्यूनरल पे शायद हमें उसके कोई दोस्त वगैरह मिल जाए, जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी अभी पता लगा कि आप शशिकांत को काफी पहले से जानते हैं। जी हाँ। कब से? 6-7 साल से? जी नहीं, 10 साल से। 10 साल से? जी हाँ, हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे, वो मेरा पार्टनर था, बाद में हम लोग अलग हो गए। तुम लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। आप लोगों की आपस में बातचीत होती रहती थी? जी हाँ। तो शशिकांत ने कभी आपको बताया कि कोई उसे धमकी दे रहा है या पैसे मांग रहा है? नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताता। तो फिर ऐसे किसी ने उसे क्यों मार दिया? बहुत अच्छा आदमी था। संभालो, संभालो अपने आप को। अच्छा, आपकी जान पहचान का कोई और आदमी जो हमें इस खून के बारे में कुछ और बता सके? नहीं, मुझे तो पता नहीं कि कौन जानता होगा इस बारे में। घर वालों ने कुछ नहीं बताया क्या आपको? नहीं, उन्हें भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, वो सिर्फ एक लेटर के बारे में बता रहे थे। लेटर? हाँ, आपको मालूम है ना किसी ने उन्हें एक लेटर भेजा है? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये मेरा कार्ड रखिए, आपको इस केस के बारे में कुछ भी पता चले हमें फौरन फोन करिएगा। प्लीज भूलिएगा नहीं, आपके दोस्त के खूनी को पकड़ना बहुत जरूरी है। बारिश होने वाली है, हम लोग चलते हैं। सीएडी वाले तुम्हें क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि उसे किसने मारा है, क्या मैं जानता हूँ। तो तुम्हें नहीं मालूम? क्या बात कर रहा है, मुझे कैसे मालूम होगा कि उसे किसने मारा है? तुम तो उसके पुराने दोस्त हो। दोस्त नहीं यार, मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, बिजनेस पार्टनर बस। तो तुम्हें नहीं मालूम? सुना है कि उसे एक लेटर भी आया था। हाँ, मुझे भी पता लगा है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं था? अरे नहीं यार, तुम्हें कहीं चलना है तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। कहाँ खड़ी है? वहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है। सब सब सब। अरे यार, तुम फिर यहाँ आ गए? साहब, मेरी हालत बहुत खराब है साहब, साहब प्लीज थोड़े पैसे चाहिए साहब। देखो यार, तुम प्लीज मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से।
साहब प्लीज थोड़े से पैसे साहब, मैं पक्का चला जाऊंगा साहब, साहब प्लीज थोड़े पैसे साहब। कहा कि मुझे तंग मत करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। साहब प्लीज थोड़े पैसे साहब, साहब मैं पक्का चला। कौन है ये? अरे है कोई ऐसा ही, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ओके बाय, मैं चलता हूँ। ओके बाय। तू भी चलेगा नरक में, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। क्या खून कर दिया? किसका? तुम्हारा? तुम्हारा किसी ने खून कर दिया है? हेलो हेलो हेलो, क्या गाड़ी वापस ले लो, किसी ने प्रकाश का खून कर दिया है। मर चुका है सर। सर ये क्या है हाथ में? सर ये देखिए। तू भी जलेगा नरक में, तू भी मरेगा। ये तो वैसा ही लेटर है जो शशिकांत को मिला था, मगर इसने हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं। हो सकता है हमारे जाने के बाद मिला उसको ये लेटर। वैसा ही लेटर है, कहीं खून भी वैसा ही तो नहीं हुआ है। जहर देखे, जरा इसकी बॉडी को पलट के देखो जल्दी। देखा, वही निशान है, वही पंचर का मार्क, वही जहर का नीला निशान। इसे भी वैसे ही मारा गया है सर, जहरीला इंजेक्शन देके। सर जैसे ही हम लोग निकले वैसे ही किसी ने मार दिया। हमारे से इसकी बातचीत हुई, उसके 3-4 मिनट में ही हम लोग वहां पहुंच गए, और 3-4 मिनट में ही मर गया ये। बहुत तेज जहर है, बिल्कुल कोबरा के वेनम की तरह है। सर इनकी वाइफ है ये। ये क्या हो गया? मिसेस प्रकाश, इनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है। कैसे हो गई इनकी मौत? किसी ने मार दिया है। मार दिया? लेकिन क्यों? वो तो मालूम नहीं, ये हमें शशिकांत जी के फ्यूनरल में मिले थे। आप जानती थी उन्हें? हाँ, वो मेरे पति के पुराने पार्टनर थे, साथ में बिजनेस किया करते थे। सात आठ साल पहले वो तीनों मिलकर बिजनेस किया करते थे, लेकिन वो बिजनेस चला नहीं, फ्लॉप हो गया। तीन लोग थे? हाँ। तीसरा पार्टनर कौन था? इतने सारे लोग, क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से कुछ हुआ है? हमें साइना जी से मिलना है। लेकिन साइना जी तो अभी अभी बाहर गए हैं। बाहर गए? बाहर तो बहुत बारिश हो रही है। हाँ, उन्हें बारिश का बहुत शौक है, और वैसे भी बारिश इतने दिनों बाद जो हुई है। अच्छा, उनके पास मोबाइल फोन है? जी हाँ है। जरा प्लीज नंबर लगाइए। हाँ। उनसे अर्जेंट बात करनी है प्लीज। एक मिनट सर, ये फोटो देखिए, शायद साइना की है। तो साइना ऐसा दिखता है? मैडम ये अंदर दीवार पे जो फोटो टंगी है, ये साइना जी की है? जी हाँ उन्हीं की है। अच्छा फोन लगा लगा रही हूँ सर, नहीं लग रहा है। प्लीज ट्राई, कोशिश कीजिए प्लीज।
लाइए, मैं लगाता हूँ, लाइए प्लीज। ये क्या है? पता नहीं सर, किसने ऐसा लेटर भेजा है, ना नाम है ना पता है, शायद गलती से आ गया है। सर ये तो वैसा ही लेटर है जो शशिकांत और प्रकाश को भेजा था किसी ने। साइनअप की जान खतरे में, हम उसे जल्दी ढूंढना होगा। चलो, किस तरफ गए वो? सर एमजी रोड में हमारा एक ऑफिस है, वहीं गए हैं पैदल। एमजी रोड, लेट्स गो। एंगेज आ रहा है। मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, रास्ते में यार, डांस करने का मन कर रहा है इस बारिश में। हाँ नहीं नहीं, खाता है मेरे पास। हाँ यार, दूसरे ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ मत पूछ यार, इस बारिश में तो समा बांध दिया है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ मैं तो पैदल ही निकल पड़ा हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, ऑफिस में दो घंटे का काम है, उसके बाद चलती हूँ। हाँ फोन कर ले। हाँ बारिश में कार का क्या मजा, जो मज़ा है पैदल चलने। हाँ आप मुझे तो पता ही है, मुझे बारिश में नहीं लगता। साइनाथ, साइनाथ हटिए हटिए, साइड साइनाथ, साइनाथ प्लीज हटिए, साइड भाई हटिए, साइनाथ साइनाथ कहाँ गया होगा साइनाथ? साइनाथ, 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 साइनाथ। हाँ आप कौन? हम लोग CID से हैं। हाँ क्यों, क्या बात? तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को? क्या बात है, आपको कैसे पता? बस ऐसे ही, तुम चलो यहाँ से जल्दी, इतनी देर से हम फोन करने की कोशिश कर रहे थे, तुम चलो चलो। बताइए तो सही। अरे चलो। मैं क्या हुआ साइनाथ? साइनाथ क्या हुआ? पता नहीं, जैसे एक आदमी टकराया। ओ माय गॉड, अभिजीत जल्दी से चेक करो, देखो पीठ पे इंजेक्शन का निशान है क्या? दया जल्दी से देखो, आगे कोई भागा जा रहा है क्या? जाओ भागो। सर साइना, यहाँ पे इंजेक्शन का निशान है। ओ माय गॉड, तुम्हें कुछ पता नहीं चला जब तुम्हें कुछ चुभा है? संभालो साइना, अरे जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो। इससे काम चल सकता है, हैंडल के ऊपर से फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।